अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज का जो लेक्चर है मैथमेटिक्स का, सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स का, उसका चैप्टर नंबर क्या है, टू है एंड एक्सरसाइज 2.1 है, बट होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स है, ठीक है। अब होल नंबर्स में जो पढ़ने जा रहे हैं हम, नेचुरल नंबर, नेचुरल एंड होल नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि नेचुरल भी होल में ही आते हैं। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर पढ़ेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, लेस देन ग्रेटर देन आर लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सम ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन, सम ऑफ नंबर्स आर लिखे या सम ऑफ होल नंबर्स लिखे, ठीक है, यूजिंग नंबर लाइन पे, नंबर लाइन के जरिए भी हम करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूँ, या मिसाल आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे प्लीज कमेंट में ये बताएं कि आपको लेक्चर ये सुन के या प्रीवियस लेक्चर आप सुनते हैं तो वो समझ आते हैं या नहीं आपको आते, क्योंकि हमने अगर अकेडमी, एक टाइप ऑफ अकेडमी स्टार्ट की है ना, फ्री कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, तो ये जरूरी मेरा पूछना है कि आप लोगों को समझ आता है नहीं, अदरवाइज मैं जो वे फिर चेंज करूं ना आप लोगों के हिसाब से, और सिर्फ ये ना कहें कि नहीं आता, क्यों नहीं आता वो भी मुझे रीजन बता दें, ये मेरे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेचुरल एंड होल नंबर से, दूसरे नंबर से इंटीजर वगैरह वगैरह रेशनल, वो आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे क्लासेस, जैसे हमारा ग्रेड बढ़ता जाएगा ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, बट इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, इस सिक्स क्लास के चैप्टर में होल नंबर्स में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीजर्स, जो इंटीजर्स नहीं, ये इंटीजर्स में तो आते हैं सिर्फ होल नंबर्स, नेचुरल एंड होल नंबर। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट आर द होल नंबर्स, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते चलते हैं, स्टार्ट कहां से होते हैं, वन से, वन से स्टार्ट होके आगे चले तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। एक और भी नंबर है हमारा, देखिए नेचुरल नंबर क्यों कहा गया, इसको नेचुरल नंबर इसलिए कहा गया, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों में से, आप लोग गिनती स्टार्ट करें या मैं स्टार्ट करूं, किसी को भी अगर कहता हूं कि यार आपको गिनती आती है, बच्चे को कहें अगर किसी को भी कहते ये आती है मुझे, क्यों यार इतना बच्चा थोड़ी हूं मैं, कहते हैं ना कि स्टार्ट करो, तो वन से स्टार्ट करते, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 जैसे हिंदी में 1 बाटरे 4 सराकी में 1 दूटरा 4 ऐसे क्या है कि मैंने लैंग्वेजेस मिक्स कर दी ना ये, ऐसे अगर आप लोग बलोच हैं तो उसमें क्या आ जाता है, 1, 2, 3 ठीक है, 4, 5, 7 ऐसे होता है ना, शश भी होता है बीच में, ठीक है। तो देखे, एक ये नेचुरल नंबर है, लैंग्वेज भले डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम नो इश्यू, ये लैंग्वेज भले डिफरेंट है नो प्रॉब्लम, बट नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब कुदरतन, आपको कहा गया कि नेचुरल, भाई काउंटिंग आती है स्टार्ट करो, स्टार्ट ही 1 से किया, 1, 2, 3 वाहिद सानी है ना, अब देखो यार अभी के वर्ड है देखे, ये नेचुरल स्टार्ट किया कहां से किया, 1 से, 1, 2, 3 1, 2, 3 वन से स्टार्ट किया, मतलब नेचुरली निकला हमसे, कहां से, 1 से, तो नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नेचुरली ही 1 से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट है होल नंबर का, होल नंबर जो है वो स्टार्ट 1 तो होता ही है उसमें, बट होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 आगे ऐसे चलाता है, ठीक है। अब जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन आता है भाई नेचुरल नंबर्स को किस सिंबल से हम शो करते हैं, तो नेचुरल नंबर को हम एन से शो करते हैं, होल नंबर से हम डब्ल्यू को करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू से शो करते हैं होल नंबर्स को एंड नेचुरल नंबर को एन से करते हैं। बट अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, यस नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, क्यों, जो नेचुरल है पूरे के पूरे होल नंबर में एड हो रहे हैं। अब ये भी कह सकते हैं क्योंकि हमने सबसेट पढ़ा है, तो नेचुरल नंबर ए सबसेट ऑफ होल नंबर सिंपली, क्योंकि इसके पूरे नंबर इसी में ऐड है। अगर आप लोगों ने सबसेट पिछले चैप्टर में आप लोगों को समझ आया या आप लोगों ने समझा सही तरीके से, तो इसको हम नेचुरल नंबर को सबसेट ऑफ होल नंबर कह सकते हैं, और होल नंबर को सुपर सेट इसका हम कह सकते हैं, है ना, ये कह सकते हैं। तो ये आया इसकी बात में। अब यहां पर अगर और सवाल आता है आपके पास, जस्ट सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज दी स्मॉलेस्ट होल नंबर, अब स्मॉलेस्ट होल नंबर यहां पे ये होता है 0 एंड नेचुरल जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 है। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज दी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो पॉसिबल पता नहीं है ना, पता नहीं है क्योंकि गिवन नहीं है लार्जेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर पता नहीं है। अगर हाँ आपसे 0 से लेकर 100 तक दिए जाए नंबर,
तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट होल नंबर, तो आप डायरेक्ट 100 को पुट करें क्योंकि 100 तक महदूद है, इनफाइनाइटली फाइनाइट नंबर है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के पिछले लेक्चर मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या है, अगर आपको कहा जाए कि राइट फर्स्ट फाइव नंबर ऑफ फ्रॉम होल नंबर्स, होल नंबर पांच, पहले होल नंबर पांच कैसे होता है, अब मैं अगर कहूं कि होल नंबर जो है पहले पांच होल नंबर कहां तक जाएंगे, तो लोग क्या करते हैं कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं ना, पांच नंबर पहले पांच नंबर भी पांच तक जाएगा। भाई बात सुने मेरी, पहले पांच नंबर्स का गया वो भी होल कह गए हैं, तो नंबर में ये भी जीरो इंक्लूड है, तो एक दो तीन चार पांच, ये पांच हो गए आपके, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। होल नंबर्स में कभी भी आपका फर्स्ट फाइव में पांच नहीं आता। नेचुरल नंबर अगर आपको कहे तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, वन टू थ्री फोर फाइव, यहां तक नेचुरल नंबर में फर्स्ट फाइव नंबर्स हैं, होल नंबर में आपका जीरो आता है। अगर मैं टेन कहूं, अगर मैं ट्वेंटी कहूं, फर्स्ट ट्वेंटी होल नंबर्स कहूं, तो 19 तक रुकेगा, बात खत्म हो जाएगी, बस कहानी खत्म। देखिए हो गया ये, एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स लेस देन ग्रेटर देन गेट लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ऑन अ नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखे मैं कहूं टू एंड थ्री फोर फोर, ठीक है, थ्री टू, देखे ये क्या है, इससे छोटा है, और ये क्या है, इससे बड़ा है, ये क्या है, इससे इक्वल है। हा? अगर मैं नंबर लाइन यहां पे बनाऊं, ये जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, ये क्या है, फोर है, ये फाइव है। अब इस नंबर लाइन पे देखें हमारा बड़ा कौन सा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, माइनस वन, माइनस को छोड़ें क्योंकि हमारा होल नंबर नहीं है, हम होल नंबर को देखें। अब ये देखें अगर मैं ऐसे रुकूं, ऐसे मेरे राइट साइड पे देखें, वन के राइट साइड पे क्या है, टू है, टू के राइट साइड पे क्या थ्री है, तो जो इस नंबर से, मिसाल के तौर अगर मैं वन की बात करूं, तो वन के जो भी राइट में होंगे वो वन से बड़े होंगे, जो वन से लेफ्ट में होंगे क्या होंगे, छोटे होंगे, वन के राइट वाले बड़े। तो मुझे ये कैसे पता चले कि टू और थ्री में से बड़ा कौन सा है, बच्चों को कैसे समझाएं, ये भी तो होता है ना, अगर आप टीचर हैं तो आप समझते जाए। तो नंबर लाइन में देखें टू थ्री, तो टू से जो राइट हैंड साइड वाले जो भी नंबर्स हैं कौन से हैं, राइट हैंड पे, थ्री कहां पे आता है, राइट पे, तो थ्री बड़ा है, बात खत्म, ठीक है। अब बड़े को लिखेंगे ऐसे, देखें अगर थ्री बड़ा है तो ऐसे ये सिंबल ग्रेटर देन टू, अगर थ्री बड़ा है तो ये लिखा ना मैंने, तो टू लिख दूंगा, यहां पे टू है तो टू अगर लेस है तो इसको ऐसे करूंगा, इसको क्या करूंगा मैं ऐसे, क्यों, इस सिंबल को मैं समझे, अब ये इसका क्या है, मुंह है, ऐसे मुंह है, ठीक है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे मुंह है, जैसे भी ये मुंह हो, इसको आप क्रोकोडाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका पीछे मिसाल कर दिया क्रोकोडाइल है, ऐसे ऐसे मुंह करती है ना, जिस के पास भी ये मुंह होगा वो बड़ा होगा, जिसके पास भी ये मुंह होगा वो क्या होगा, ये मुंह होगा क्या होगा, बड़ा होगा। देखे अब इसकी यहां पे देखें, ये किसके पास मुंह है, इसके पास है ना, तो थ्री क्या है, बड़ा है, ये किसके पास मुंह है, इसके पास मुंह है ना, तो थ्री भी क्या, यहां पे थ्री बड़ा है, जिसके पास ये मुंह है, देखो सिंबल चेंज हो गया है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है चेंज है, यहां पर डायरेक्शन ऐसे है, यहां पर डायरेक्शन ऐसे है, इस साइड है, क्या है, कैसे देखें, सिंपल जैसा हम अगर पढ़े तो इसको हम लेस देन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर कहते हैं, ये इस नंबर को देख के, इस नंबर को देख के यहां पे जो नंबर होगा, क्योंकि ये टेल में आता है, यहां पे जो नंबर होगा वो लेस होगा जो इस यहां पे होगा, क्योंकि ये मुंह उसके पास है तो वो ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियसली ये लेस होगा, यहां पे नंबर होगा इसके पास मुंह है, ये ग्रेटर होगा तो यहां पे क्या होगा, लेस होगा। अब बात दूसरी आती है, ये नंबर है, इसको अगर मैं ऐसे नीचे से लाइन लगा देता हूं तो क्या हो जाता है, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन तो था और इक्वल टू होगा, ठीक है, ओके। अब ये ग्रेटर है तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ये सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू या इक्वल होगा अगर मैं नीचे से इसको लाइन लगा देता हूं। तो देखें इसको मैं ग्रेटर देन गलत है
अगर मैं ये लगा दूं, या तो बड़ा है, अगर बड़ा नहीं है तो फिर इक्वल जरूर होगा, तो फिर बराबर जरूर होगा, है ना। ठीक है, ये अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं, ये जो है इससे छोटा होगा, अगर छोटा नहीं है तो उस जितना जरूर होगा, इसके जितना जरूर होगा, तो छोटा अगर नहीं है तो इसके जितना तो है, तो मतलब ये सही है। हाँ ठीक है, अब जो थोड़ी रिप्रेजेंटेशन है, देखें मैं यहां पे अगर नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैं आपको कहूं ये क्या है, जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव एंड ये सिक्स, देखें ये सेवन है, ये एट। मैं आपको कहूं कि मुझे नंबर लाइन शो करके दिखाएं, सिक्स से छोटे, टू से बड़े या उस जितने, मैं कहूं कि ग्रेटर, मैं ऐसे लिखूं ग्रेटर आर इक्वल टू सिक्स और टू टू एंड लेस देन सिक्स, लेस देन सिक्स, टू से बड़े या टू जितने और सिक्स से कम, तो सिक्स से कम मतलब ये नहीं आएगा, तो हमारे पास जो लाइन बनेगी क्या, ये टू आर इक्वल टू टू की बात कर रहा है, टू आर इक्वल की बात कर रहा है, ग्रेटर टू से ज्यादा या इक्वल, तो टू से ज्यादा वाला तो नंबर ये है बट इक्वल भी की बात कर रहे हैं ना, तो इक्वल पे हमारा ये होगा, एक ये नंबर होगा क्योंकि इससे बड़े हैं, एक ये नंबर होगा, एक ये नंबर होगा, क्या ये होगा, नहीं, क्योंकि आगे क्या कह रहा है, लेस देन सिक्स, छह से कम कौन सा, पांच, तो हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी, बात खत्म, नंबर लाइन पे हम शो ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं, जस्ट कहूं आपको लेस देन होल नंबर, यहां पे मैं होल नंबर लिखूं, होल नंबर लेस देन एट करूं, होल नंबर लेस देन एट करूं, तो क्या होगा, लेस देन एट क्या है, ये है, अब सिर्फ होल नंबर कह रहे, कंडीशन नहीं दे रहा, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, तो जीरो ये सब इंक्लूड होंगे, तो हमारी नंबर लाइन क्या बनेगी, ये बनेगी, तो आठ से कम मतलब सेवन तक जाएंगे, जीरो से लेकर सेवन तक होल नंबर, आठ से कम, अगर कहता लेस देन आर इक्वल टू, तो हमारा आठ भी इंक्लूड होता। हाँ, तो ये कंडीशन आप लोगों ने जरूर समझनी है, मैं लास्ट में आप लोगों को असाइनमेंट भी दे दूंगा जो कि आप लोगों ने करनी है। अब देखें, सम ऑफ नंबर बाय यूजिंग नंबर लाइन, सम ऑफ नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बनाऊं, नंबर लाइन बनाता हूं, ठीक है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड ये नाइन एंड टेन, ठीक है, ये नंबर लाइन मैंने बनाई। अब सम करना है वन को, थ्री को एंड फोर को, ठीक है, वन को थ्री को एंड फोर को, वन तो ये ऑलरेडी है, ये वन हो गया, ठीक है, अब वन से लेकर आगे क्या, थ्री पार्ट जाएगा, एक दो तीन, यहां तक एक तो वन हो गया ना मेरे पास, ठीक है, भले आप यहां पे क्या लगा दें, जीरो भी लगा दें आप, कोई मसला नहीं है, तो जीरो से आगे कर दें ऐसे, होल नंबर की अगर हम बात करें, क्योंकि होल नंबर ही पढ़ रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक आगे नंबर, ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक वन है ना, तो वन तक आ गया, ये वन, ये थ्री जो है वन टू थ्री, तो ये थ्री इधर, वन टू थ्री यहां से स्टार्ट करना है, कितने नंबर हैं वो यहां से गिनना, अगर यहां तक ये स्टॉप वन हुआ था, तो अगर थ्री आगे फिर करना है तो आपने यहां से स्टार्ट, वन टू थ्री, ठीक है, फिर क्या फोर है, तो वन टू थ्री फोर यहां पे करें, ये वन था, ये टू है, सॉरी थ्री है, ये क्या हमारे पास फोर है। हाँ, तरीका मैं बता रहा हूं, जीरो से स्टार्ट करना है, वन कहां तक जाता है, यहां तक, तो इसको ऐसे जंप लगा दे वन तक, फिर बात आती है थ्री की, वन टू थ्री यहां से स्टार्ट नहीं करना, यहां से जो आगे नंबर है वन, यहां से लेकर वन टू थ्री, कितना हुआ तीन, तीन का हमने यहां पे जंप लगाया, खत्म यहां तक हुआ, फिर हमने करने चार ऐड करने हैं, तो चार नंबर लाइन की शो कैसे करेंगे आगे, वन टू थ्री फोर, यहां से लेकर फोर। अब अगर देखें तो यहां से लेकर यहां तक जो नंबर हमारे बने कितने, आठ, तो वन थ्री और फोर का जो सम होता है वो कितना हमारे पास, आठ, ठीक है, ये हमारे पास नंबर लाइन पे शो हम इनको कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों की असाइनमेंट जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बतानी है, और सिंपल है, इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने
ए बी सी है, पार्ट है। एक पार्ट है सिमालेस नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। मुझे कमेंट में बताएं कि सिमालेस नेचुरल नंबर कौन सा है और सिमालेस होल नंबर कौन सा है, ये भी आप बताएं। नंबर बी है फर्स्ट सेवन होल नंबर। मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि पहले सात होल नंबर कौन कौन से, लिख के बताएं, होल नंबर लिख के आगे लिखें, ठीक है। सी है सी व्हाट आर द नंबर्स विच व्हाट आर द नंबर्स विच आर, ठीक है, इसके नंबर्स बताएं मुझे। देखें वो कौन से नंबर होंगे, ये कह रहा है कि होल नंबर्स ग्रेटर देन मीन सिंबल है ना, ये होल नंबर्स ग्रेटर देन, वो कौन से नंबर हैं जो आठ से ज्यादा हैं, होल नंबर्स आठ से ज्यादा हैं वो मुझे बताएं। ये फिर ये देखें, ये मैंने सिंपल दिया है, ये देखें दोनों होल नंबर्स ग्रेटर देन थ्री बट लेस देन 15, ग्रेटर देन थ्री बट लेस देन 15, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस मुझे लिख के कमेंट में बताएं, बस भले ऐसे दे देंगे सी का पार्ट टू, सी का पार्ट वन, सी का पार्ट थ्री, ए बी सी का पार्ट वन, सी का पार्ट टू, सी का पार्ट थ्री, ऐसे बना के आप भले भेज दें। ये नंबर्स बताएं होल नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री बट लेस देन 9, ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। ग्रेटर देन आर इक्वल टू कौन से नंबर हैं जो थ्री जितने हैं या थ्री से ज्यादा हैं पर नाउन मतलब 9 से कम है, ठीक है, ये भी मुझे आप बता दें। ये कमेंट में बता दें, ये हल्की सी होती है, बस आप थोड़ा बहुत उंगलियों को क्या करें, तकलीफ दें, फोर्स लगाएं, जो कि मैंने उसमें फिजिक्स के चैप्टर में बताया, ठीक है, फोर्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर जो इस चैप्टर पे जो लिखा हुआ है होल नंबर्स पे, और इसकी तीन एक्सरसाइज और भी हैं, ये हमारी 2.1 थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू अदर स्टूडेंट्स। थैंक्स।